गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 निर्माण उद्योग। बच्चों, कभी आपने कंपनी को देखा है? हमारे जिले में भी आपको चीनी मिल है, एक बड़ी कंपनी है जहां चीनी का निर्माण होता है। या कहीं भी आप कहीं बाहर घूमने गए हैं तो बड़े बड़े ऐसे उद्योग यानी कंपनियां, फैक्ट्रियां आप लोगों ने देखा होगा जिसमें सामानों का वो निर्माण होता है, यानी हमारे जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, मशीनों के माध्यम से होता है। और या आप लोगों ने कभी टीवी सेटों में देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा जहां पर मशीन चलता रहता है, बड़े सारे चीजों का, कपड़ा हो, चीनी हो या और भी पहनने खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, वो आपको कंपनियों में फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है और वो हम उसका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्माण उद्योग। यानी कच्चे मालों द्वारा उपयोगी वस्तुएं बनाकर उपयोग करना ही कहलाता है विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग। कच्चे मालों से उपयोग लायक वस्तुओं का निर्माण करना ही कहलाता है निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग जैसे मान लो कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से आपको लोहा, इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है फैक्ट्रियों में, क्योंकि ये कच्चा माल के रूप में रखते हैं। जैसे गन्ना है तो वो कृषि से आता है, वो कच्चा माल के रूप में रहता है, लेकिन जब फैक्ट्रियों में उसको ले जाया जाता है तो उसके रस को निकालकर मशीनों के द्वारा वो चीनी का निर्माण किया जाता है और उस चीनी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। ये आता है आपको विनिर्माण उद्योग। हमारे देश में उद्योगों का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराने से ही उद्योगों का इतिहास चला है, यानी लगभग 19वीं शताब्दी 1854 में पहली बार सूती कपड़ा की पहली फैक्ट्री मुंबई में स्थापित की गई थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो अंग्रेजी सत्ता थी उसके कारण उद्योगों का विकास उस तरह से नहीं हमें हो पाया, लेकिन उद्योगों का क्रमबद्ध विकास या सही विकास ये आपको 1951 से शुरू हुआ, यानी जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद उद्योगों के विकास में हम लोगों ने काफी तरक्की की। और आज उद्योगों में आज हल्के उद्योग से लेकर मध्यम उद्योग से लेकर भारी भारी उद्योग हमारे देश में मौजूद है। अब सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होता है। इसमें मुख्यतः जो उद्योग होते हैं आपको वो है लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। ये आपको उद्योग जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको मुख्य रूप से जाने जाते हैं, ये मुख्य उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग को तो उद्योगों का जननी कहा जाता है, पिछली बार वीडियो में भी मैंने बताया है लौह उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक लोहा का निर्माण नहीं होगा तब तक मशीनों का निर्माण नहीं होगा, इसलिए लोहा उद्योग को हम लोग उद्योगों का जननी कहते हैं। 1854 में तो पहली सूती मिल की कपड़ा स्थापना हुई थी, सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई आपको मुंबई में, लेकिन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर आपको जूट का उद्योग लगाया गया, जहां पर कपड़े का उत्पादन के लिए वहां पर उत्पादन होने लगा। और भारत में जो एक योजना हुई भारत सरकार के द्वारा आजादी के बाद और योजना के द्वारा उद्योगों का विकास होने लगा वो आपको 1951 ईस्वी से प्रारंभ होता है। किसी भी देश में उद्योग जो है वो किसी देश के विकास का, उसके संपन्नता का सूचक है, यानी किसी देश का विकास और संपन्नता उसके उद्योग धंधों पर निर्भर करता है। यानी जिस जो देश उद्योग धंधों के मामले में आत्मनिर्भर है वो देश उतना ही संपन्न होता है, उतना ही विकास वाला होता है और उस देश के लोग उतने ही सुखी संपन्न होते हैं। हालांकि किसी भी देश में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कई कारक होते हैं जिसके द्वारा वहां उद्योगों की स्थापना किया जाती है। इसमें दो महत्वपूर्ण कारक हैं, एक भौतिक कारक, एक मानवीय कारक। भौतिक कारक और एक मानवीय कारक।
मानवीय कारक, दो कारक किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक कारकों में आपको कच्चा माल, शक्ति, जल, सुलभता, आपको अनुकूल जलवायु, परिवहन, ये आपको भौतिक कारकों में आते हैं। और मानवीय कारकों में श्रमिक हो गए, मजदूर यानी काम करने वाले, बाजार हो गया जहां पर माल बेचा जा सके, पूंजी हो गई, बैंक सुविधा हो गई, सरकारी नीतियां हो गई, ये आपको मानवीय कारक में आते हैं। और इन्हीं दो कारकों से किसी उद्योग की स्थापना संभव हो पाती है। तो ये हमारे यहाँ निर्माण उद्योग के प्रमुख स्तंभ हैं किसी भी उद्योगों के स्थापना में, और इन्हीं के आधार पर आपको उद्योगों की स्थापना की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम उद्योगों के आधार पढ़ेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कितने भागों में किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।